चुन चुन के खास पेशकश हमारी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। और आज जिन दो कंपनियों पे हम बातचीत करने वाले हैं, पूछते हैं कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, और इसके लिए कई सारे पैरामीटर अरुण जी ने अपने तय किए होते हैं, और जब उन पैरामीटर पे सभी कसौटी पर कोई कंपनी खरी उतरती है तभी वो रिकमेंड करते हैं। सर, आज की थीम क्या लेकर के आए हैं? सर, कुछ खास सेक्टर या फिर कोई खास थीम क्या है आज? विपुल जी, प्योर बजट थीम है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा अपने शो के कि बजट के स्टॉक्स ही आपको मोमेंटम में रहेंगे, तो वैसे ही स्टॉक्स में रहे जहाँ पे मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टॉक अगेन जैसा कि मैंने शुरू में कहा रेलवे सेक्टर से है, तो JWL जुपिटर वैगन लिमिटेड, इसमें बाई करने की सलाह। इसको करंट लेवल पे 695 के आसपास बाई करें, 672 का टॉप लॉस लगाए और 745 का टारगेट रखें। प्योर ट्रेडिंग कॉल है विपुल जी, अगर मैं रिपीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट की कॉल नहीं है, प्योर ट्रेडिंग। और बजट रिलेटेड थीम के हिसाब से मुझे लग रहा है ट्रेडिंग बैट इसमें ले सकते हैं, तो इसको बाय करके चले। सेकंड कोचिन शिपयार्ड में बाय करने की सलाह है। विपुल जी, एक चीज हो चुकी है, जब मैंने दिया था स्टॉक 2315 के आसपास था, 2345 2350 के आसपास है, थोड़ा चल चुका है, पर थोड़े डिप में अगर इसको भी बाय करके चल सकते हैं। 2272 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2456 और 2480 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। एक तो डिफेंस की एक थीम आपको मिल गई है इसमें, और दूसरा रेलवे की थीम है, तो दोनों ही बजट रिलेटेड थीम चुने हैं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट साल 4 से 5 दिन में एक अच्छा मोमेंटम इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और जो भी ये शो दे रहे हैं उनके उनके लिए एक राय रहेगी, स्टॉप लॉस जरूर पेज पे रखें क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और दोनों ही ट्रेडिंग कॉल है, तो इन दोनों स्टॉप लॉस के साथ दोनों स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बजट की थीम को ध्यान में रखते हुए दो शेयर आपको दिए गए हैं। कोचिन शिपयार्ड पे खरीदारी करने की सलाह है, डिफेंस क्षेत्र की अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं, और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 2272 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 2456 के लक्ष्य के लिए 2350 के आसपास खरीदना है आपको, थोड़ा नीचे आए तो आप और बेहतर की बात है। 2456 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर वैगन लगातार रडार पे है। कल हमारे साथ खास मेहमान थे अरुण केजरीवाल जी, और अरुण केजरीवाल जी ने भी कल चुन चुन के में इसको शामिल किया था, तो आप समझ सकते हैं कि कई लोगों के रडार पर जो है वो अब ये शेयर आता हुआ। 745 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह। बहुत सारे लोगों के आज सवाल भी आए थे कि जुपिटर वैगन को किस रेट पे ले सकते हैं, तो करंट लेवल पे भी ले सकते हैं, 695 के आसपास खरीदिए, 672 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है, और 745 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक रेलवे और एक रक्षा, इन दोनों क्षेत्रों में बजट के अंदर बड़े अनाउंसमेंट की आशा है। इन दोनों क्षेत्रों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट की उम्मीदें जताई जा रही हैं, इसके चलते आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अरुण सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? अगेन विपुल जी, कोचिंग शिपयार्ड हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी दे रखे हैं जहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं, तो वो एक रिकमेंडेशन जरूर ओपन है। यूजुअली हम बुक और सेल दोनों स्टॉक में कराते रहते हैं, तो वो एक चीज जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। सेकंड, डिफेंस थीम के काफी स्टॉक्स हमने क्लाइंट्स को दे रखे हैं, तो प्योर बजट थीम के लिए उनके पास पोजिशन हो सकती है। JWL पे भी हम यूजुअली कॉल देते रहते हैं, तो वो भी क्लाइंट्स के पास पोजिशन हो सकती है। बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वो डेफिनेटली ट्रेडर फ्रेंडली है, तो क्लाइंट्स की यूजुअली पोजीशन उसमें भी हो सकती है, मेरी पर्सनल पोजीशंस इन सभी किसी भी स्टॉक में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए।